प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ रीवा सतना के एक दिवसीय दौरे पर थे। रीवा लोकसभा में उन्होंने जवा और मनगवा में चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान कहा कि रीवा से सिद्धार्थ नहीं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई कटाक्ष किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ एक दिवसीय दौरे पर रीवा और सतना पहुंचे। दोनों जगह उन्होंने दो दो चुनावी सभाएं संबोधित की। रीवा में जवा और मनगवा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने रीवा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी को जिताने की अपील करते हुए कहा, रीवा से सिद्धार्थ नहीं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने मामा संबोधित करते हुए कई कटाक्ष किए। 15 साल उन्होंने केवल झूठ बोला, मुझे काम करने के लिए केवल 76 दिन मिले। 76 दिनों की तुलना 15 साल से करते हुए कहा, दोनों की तुलना कर ली जाए। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने कई तीखे प्रहार किए। मोदी विकास की बात नहीं करते, जितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी वह बातें ना जाने कहां चली गई। मोदी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जब मोदी को पजामा पहनना नहीं आता था तब नेहरू जी और इंदिरा जी ने देश के लिए सेना खड़ी कर दी थी, सैनिक स्कूल खोल दिए थे, देश को सक्षम बना दिया। मामा के बारे में ज्यादा क्या बोलूं, मामा को केवल झूठ बोलना आता है। रीवा के नए इतिहास बनाने के लिए सिद्धार्थ तिवारी जी को खुद मैंने चुना कि ये मेरे प्रतिनिधि के रूप में रीवा का प्रतिनिधित्व करेंगे। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी कड़ी धूप में आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हैं। यहां आकर आपने कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ाया। आज तो जब मैं रीवा जिले में आया हूं, मेरे अपने क्षेत्र में, मेरे अपने जिले में चुनाव है। आज मतदान का दिन है, मैं अपना मतदान छोड़ के रीवा जिले में आया हूं, क्योंकि मेरा सपना है कि रीवा एक ऐतिहासिक जिला, इस ऐतिहासिक जिला के विकास का एक नया इतिहास बने, इसीलिए मैं आया हूं। सबसे बड़ा धोखा हमारे नौजवानों के साथ हुआ। शिवराज जी कितनी लंबी चौड़ी बातें करते थे, पर शिवराज जी आप बताइएगा मध्य प्रदेश को, रीवा के लोगों को बताइए कि आपके कार्यकाल में जितने उद्योग लगे नहीं, उससे ज्यादा उद्योग तो बंद हो गए। मोदी जी की बात मैं क्या कहूं, कितने नारे थे नौजवानों, आपको याद है कितने बड़े बड़े विज्ञापन, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, याद है ये नारे, कितने बड़े बड़े विज्ञापन थे। आज कोई है या डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया वाला? किस तरह मोदी जी ने खिलवाड़ किया हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ, खिलवाड़ किया। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं तो मोदी जी से पूछता हूं, मोदी जी बता दीजिए, किसी को यहां 20 नाम बता दीजिए जहां रीवा में नौजवानों को रोजगार मिलाओगे। आज मोदी जी इसकी बात नहीं करते। लगभग 120 दिन हुए हैं जब से कांग्रेस की सरकार बनी, 120 दिन हुए और मेरे पास कार्य करने के 75 दिन केवल थे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता हो गई और हमारी बड़ी चुनौती, हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती जहां किसान का जन्म कर्जे में होता, किसान की मृत्यु कर्जे में होती है। हमने जो वचन दिया था किसानों का कर्जा माफ करने की, हमने इसकी शुरुआत करी और 75 दिनों में लगभग जो मध्य प्रदेश के 50 लाख किसान हैं, हमने 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। शिवराज सिंह जी चिल्ला रहे हैं कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, नहीं होगा। मोदी जी चिल्ला रहे हैं कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं तो शिवराज सिंह जी, 15 साल आपने झूठ बोला है, मोदी जी 5 साल आपने झूठ बोला है, 15-20 दिन और झूठ बोल लीजिएगा, मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे तो मध्य प्रदेश के किसानों का प्रमाण पत्र चाहिए, उनका सर्टिफिकेट चाहिए। क्या क्या मोदी जी ने कहा, 15 लाख रुपए की बात हो गई, खाते खुलवाइए,
खाता खोलो 15 लाख आ रहा है, करोड़ों लोगों ने खाता खोला, 600 रुपए में खाता खोला, 500 रह गए, 100 रुपए तो बैंक ने काट लिए। ये सब आपके सामने है। कहते थे गंगा साफ करूंगा, याद है, कहते थे गंगा साफ करूंगा। मोदी जी ने तो गंगा साफ करी नहीं, बैंकों को जरूर साफ कर गए। जिनकी नीति साफ नहीं है वो क्या गंगा साफ करेंगे? और अब तो जनता समझ गई, अब तो जनता समझ गई है। मामा को रवाना किया था, पहले तो चाय वाला आया था बनकर, याद है मोदी जी क्या चाय वाला हूं, अब कहते हैं चौकीदार हूं मैं। अब तो जनता मामा को रवाना कर दिया, मामा की विदाई कर दी, अब तो चौकीदार की विदाई का समय आ गया है। और मुझे कोई शक नहीं एक ऐसा चौकीदार, किसकी चौकीदारी करी मोदी जी ने, मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे नौजवानों की चौकीदारी करी, क्या हमारे किसानों की चौकीदारी करी, क्या हमारे माताओं और बहनों की चौकीदारी करी? मोदी जी किसकी चौकीदारी करी बताइए आप, किसकी चौकीदारी करी? तो ये सब आपके सामने, ये तस्वीर आपके सामने है कि किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, जनता पूछ रही है मोदी जी आप किस काम के। ये सच्चाई आप सबके सामने, सच्चाई आप सबके सामने है कि हमने 72,000 रुपए की बात आपने सुन ली। मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, पर हर महीने जिस गरीब को 6,000 रुपए मिलेंगे उसका बच्चा अच्छी पढ़ाई कर पाएगा, अच्छे कपड़े पहन पाएगा, और जब बाजार में जाएगा अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खरीदी करने के लिए, हमारे बाजार में भी रोशनी होगी। ये 6,000 और हमारे 72,000 रुपए की योजना है। मोदी जी इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे ये बोगस है। आज तो मोदी जी कहेंगे मैं तो, मेरे नीचे देश सुरक्षित है, कहते हैं ना मेरे नीचे देश सुरक्षित है। भाइयों नौजवानों, पूछिएगा मोदी जी से, क्या 5 साल पहले देश असुरक्षित था? जब मोदी जी ने पैंट पजामा पहनना नहीं सीखा था, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश की सेना बनाई थी, हमारे देश की नेवी बनाई थी, एयरफोर्स बनाई थी, हमारे सैनिक स्कूल खोले थे, हमारे मिलिट्री एकेडमी बनाई थी, और मोदी जी आप ये आज कहते मेरे नीचे देश सुरक्षित है, भाजपा के नीचे देश सुरक्षित है। मोदी जी जब संसद पर हमला हुआ था, इतना भयानक हमला, मैं संसद के अंदर बैठा था, मैं जानता हूं कैसा भय का वातावरण था। किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और आप कहते हैं देश भाजपा के नीचे सुरक्षित है। जब कारगिल हुआ था किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। और अभी हाल में जब पुलवामा हुआ किसकी सरकार थी? मोदी जी आपकी सरकार थी। और आप कहते हैं मेरे नीचे देश सुरक्षित है। आपको तो माफी मांगनी चाहिए देश से कि ये पुलवामा का ये आतंकी हमला हुआ। आज ये कलाकारी की, ये गुमराह करने की, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, आज ये जवाब नहीं देना चाहते, हिसाब नहीं देना चाहते। 5 साल हो गए, आइए जनता को हिसाब दीजिए, जनता को जवाब दीजिए। आज आप देश की सुरक्षा की बात करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे? ये कौन सी राष्ट्रवाद की बात कर सकते हैं? ये क्या कांग्रेस को राष्ट्रवाद समझाएंगे? मैं तो मोदी जी से कहता हूं एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम बता दीजिए जो आपके पार्टी का सदस्य रहा हुआ। एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं है। और ये राष्ट्रवाद की बात करते इतने साल, और मोदी जी जो लगातार ये झूठ बोलते रहे, मैं तो आपसे यही कहता हूं अंत में कि ये जो चित्र आपके सामने है, मैंने आज कहा, शुरू में कहा कि सिद्धार्थ तिवारी केवल आपके प्रतिनिधि बन गए। मैं आज खास आया हूं केवल एक भाषण देने के लिए नहीं, रीवा से एक संबंध और एक रिश्ता जोड़ने के लिए आया हूं। जब और मनगवा में भारी भीड़ देखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री काफी उत्साहित दिखाई दिए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा कहते हुए कटाक्ष किए।